हाय, वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि रत्ना ऑप्टेंड अ लोन। रत्ना ने लोन ऑप्टेंड किया कितने का, 25,000 का। कहाँ से? सिंडिकेट बैंक से। ठीक है, उसने लोन लिया 25,000 का टू रिनोवेट हर हाउस, अपने घर को रिनोवेट करने के लिए। रिनोवेट का मतलब क्या होता है? उसे नया बनाने के लिए, मतलब कोई पेंटिंग सेंटिंग वगैरह। ओके, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। अब जो लोन कोई लेगा बैंक से, तो आपको पता ही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा। तो 8% का इंटरेस्ट लग गया पर एनम, एक साल में। ओके, तो व्हाट अमाउंट विल सी हैव टू पे टू द बैंक आफ्टर 2 ईयर्स टू डिस्चार्ज हर डेप्ट। तो अपना डेप्ट को वो डिस्चार्ज करने के लिए 2 साल में कितना अमाउंट वो पे करेगी, ये निकालना है। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करते हैं कि लिख देते हैं, गिवेन दैट, जो दिया हुआ है, गिवेन दैट प्रिंसिपल प्रिंसिपल इज इक्वल टू दिया है 25,000 रुपीज़। ओके, अब यहाँ पर ले सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, टाइम इज 2 ईयर्स। ओके, अब क्या करेंगे हम कि इसको फार्मूले से नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो पहला एक्सरसाइज है ना, आपका पूरा एक्सपेंड करते हुए करना है। तो पहले क्या करिए कि इंटरेस्ट निकाल लीजिए 1 साल का, कि 1 साल में उसे इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर के लिए जो इंटरेस्ट होगा वो हमारा जो फार्मूला लगता है सिंपल इंटरेस्ट का, वही लगाएंगे, PRT/100। तो पी कितना है? 25,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 इंटू टाइम 1 साल अपान 100। तो 100 से कट जाएगा ये 2 जीरो। 25 से 8 में अप्लाई करेंगे, 25 8 कितना होता है? 25 5 125, 25 6 150, 25 8 200। 200 तो हो गया, लेकिन 1 जीरो और बढ़ेगा, मतलब कि 2,000। ओके, तो 2,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट लग गया पहले साल। तो ये बताइए, अब पहले साल में अमाउंट कितना हो गया? इसलिए अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर, मतलब कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ओके, आप ले भी ले सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 25,000 में 2,000 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 27,000 रुपीज़। ओके, तो ये 27,000 रुपीज़ हो गया अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर। अब क्या करना है कि इसी अमाउंट को हम मान लेते हैं कि ये प्रिंसिपल है सेकेंड ईयर के लिए। ओके, सो यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर इज इक्वल टू 27,000 रुपीज़। ओके, अब क्या करेंगे कि इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, मतलब केवल दूसरे साल में जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लगेगा। तो आपको प्रिंसिपल यूज करना है ये वाला जो हमने 27,000 लिया है, और टाइम तो एक ही लेना होगा, एक ही साल का है। ओके, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 27,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही रहेगा, 80 रहेगा, अपान 1, और नीचे 2 0 2 0 कट गया, यहाँ से ये मिल जाएगा 0 का 0, 8 7 56 के 6 5 बचा, 8 2 16, 16 5 21, इतना हो गया। ओके, तो अब यहाँ पर ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकल गया। हमें निकालना क्या है? अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट तो निकल जाएगा, अमाउंट एट द एंड ऑफ, तो यहाँ लिख सकते हैं कि इसलिए अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, मैंने 2 साल के अंत में जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा। तो जो पिछली साल का जो यहाँ पे था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपका ये था प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर जो था ना, इसी में ऐड करेंगे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आ जाएगा सेकेंड ईयर का अमाउंट। ओके, तो 27,000 में ऐड करेंगे 2,160 रुपीज़, तो आपका आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 2। मीन्स 29,160 रुपीज़, ये हो गया आपका अमाउंट जो निकालना था। ओके, तो देखिए ये मतलब कि लंबा प्रोसेस है, और लॉन्ग प्रोसेस के अनुसार हम लोग कर रहे हैं।
आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ओके, थैंक यू।